अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एशियन ट्रेड टीवी। मैं हूँ आलिया मौसम एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम इंस्पिरेशन बाय आलिया मौसम। लिबास और ज्वेलरी जो कि तकरीबन हर औरत की कमजोरी है, लिबास जो कि अकासी करता है आपकी पर्सनैलिटी को, और लिबास एक अप्रोप्रिएट लिबास जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बाएतमाद बनाता है। अप्रोप्रिएट लिबास कैसे होगा? लिबास का मतलब ये या ज्वेलरी का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगी तभी आप स्टैंड आउट करेंगे। इन फैक्ट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सिलेक्ट योर ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड योर पर्सनैलिटी। अक्सर खवातीन किसी मॉडल को एक ड्रेस में देखती हैं और फैंटेसाइज करती हैं कि हम ये खरीदेंगे तो हम भी ऐसे ही लगेंगे, वाइल फेलिंग टू लुक आफ्टर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट देयर बॉडी शेप रिक्वायर्स। ड्रेस डिजाइनर्स इस सिलसिले में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं। एक अच्छी ड्रेस डिजाइनर हमेशा आपको वो चीज सजेस्ट करेगी, वो चीज आपके लिए डिजाइन करेगी जो आपकी पर्सनैलिटी को मजीद उजागर करे, जो आपकी पर्सनैलिटी को मजीद खूबसूरत बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लस साइज खातून है तो उनको वो उस तरह के कपड़े डिजाइन करके देगी, उसके वो उसके जो पैटर्न्स हैं या उसके कलर कॉम्बिनेशन इस तरह के वो करेगी जिसमें वो स्लिम एंड स्मार्ट लगे, या किसी को किसी का कॉम्प्लेक्शन इस तरह का है तो वो वाला कलर चूज करेगी जिसमें वो ज्यादा खूबसूरत लगे। ड्रेस डिजाइनर्स एम्फसाइज क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड येट फ्लैटरिंग सिलुएट्स। इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक फैशन डिजाइनर को जिनका नाम है मिसेज जरीना अरशद। मिसेज जरीना अरशद सीईओ हैं स्कारलेट फिट बुटीक की, और इसके अलावा ये आइलीन्स जेम्स एंड ज्वेलरी की चेयरपर्सन भी हैं। आज हम मिसेज जरीना अरशद के घर चलेंगे और वो बताएंगी हमें, हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि आप मुस्तफीद हो सकती हैं। वो हमें बताएंगी डिफरेंट अपनी जर्नी टूवर्ड्स दिस फैशन डिजाइनिंग। तो आज हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुस्तफीद होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेज जरीना। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज जरीना, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कैन यू शेयर द जर्नी एंड थॉट प्रोसेस दैट लेट यू टू चूज दिस करियर एज अ प्रोफेशन? आई मीन, वर देयर एनी स्पेसिफिक इंस्पिरेशंस और लाइक टर्निंग पॉइंट्स दैट लेट यू टू दैट इन्फ्लुएंस यू टू चूज दिस करियर पाथ? माई मदर इज़ अ स्विस लेडी, और वो स्विट्ज़रलैंड से आ गई थी हमारे इधर एशिया में रहने मेरे वालिद के साथ, एंड शी हैड लर्नड फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम लंदन। तो ऑब्वियसली शी यूज़ टू डिज़ाइन ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अस, वी वर फोर सिस्टर्स, और उसके वजह से ये थी कि हमारे उस वक्त ज़माने में बुटीक्स नहीं होती थी और ना इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन नहीं मिलते होते थे, एंड वी वर ऑलवेज वेयरिंग द बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, और वो हमें सब बहनों को अपने साथ इन्वॉल्व करती थी, एंड वी यूज़ टू be a part of her creative designing. तो फिर शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे भी चार बच्चियाँ अता फरमा दी, तो उनका भी मैं हर वक्त कपड़े डिज़ाइन करती थी। सो ड्रेस मेकिंग केम वेरी नेचुरली टू मी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जेम स्टोन ज्वेलरी, तो वो ये है कि बचपन से ही मुझे जेम स्टोन्स का बहुत शौक था। आई ऑलवेज यूज टू लर्न अबाउट स्टोन्स एंड देर डिफरेंट क्वालिटीज, देर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, देर स्पिरिचुअलिटी, और फिर वक्त के साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि एवरी स्टोन अफेक्ट्स इट्स वेयरर इन अ यूनिक वे, और लोग चाहते हैं कि वो अपने बर्थ स्टोन पहने। स्टोन्स तो पहले ही इतने एक्सपेंसिव होते हैं, एंड इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग देम इन प्लैटिनम एंड गोल्ड, तो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। तो आजकल के दौर में तो आपको पता है विद इकोनॉमिकल सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये ज़रा चांदी में बनाने से ये है कि इट्स अफोर्डेबल एंड एवरीबडी कैन वेयर इट। माशाल्लाह से मिसेज जरीना, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने अपनी मदर से इंस्पिरेशन ली और उसके बाद आपने इस फील्ड को चूज किया, और ऑब्वियसली आपने क्योंकि बचपन से अपनी अपनी वालदा के साथ ये सब देखा, आप इन्वॉल्व रही, उन्होंने आपको इन्वॉल्व रखा, इसीलिए आज आप इस मुकाम पे हैं। जी मिसेज जरीना, मुझे आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट? इनोवेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस प्रोग्रेस। जिद्दत के बगैर तो आपको पता है कोई भी बिजनेस आपका कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज़ को लोग देख देख के थक जाते हैं, और वो ऑब्वियसली यूनिक और नई चीज़ चाहते हैं और उनकी अट्रैक्शन ही उसमें होती है। एंड यू नो क्लोथिंग एंड ज्वेलरी वो तो जब से दुनिया बनी है इट्स बीन अंडर यूज, तो इट्स अ बिग चैलेंज
to do some innovation in your field, and especially in post-corona scenario throughout the world, the economic situation is not so good. So everybody wants to wear good clothes and good jewelry, especially as I had mentioned before, their birthstones. And it was very challenging for me. So I did lots of hard work and lots of research, and now alhamdulillah I am making clothes that are not only affordable but very nice in quality and beautiful to look at, and so is the case with gemstones. जी मिसेज ज़रीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनोवेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर बिजनेस में इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं और उसकी आपको कोई रेसिपी, कोई डिश बहुत पसंद है, तो यू जस्ट कीप ऑन गोइंग देयर बिकॉज यू लाइक इट. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो उसमें थोड़ी सी जिद्दत पसंदी लाते हैं, वो बेशक डिश की रेसिपी वही रखें लेकिन उसका एम्बियंस चेंज कर दें, उसके इंटीरियर पे फोकस करें, तो हमेशा हर कस्टमर को अच्छा लगेगा. और नयापन, जिद्दत पसंदी हर इंसान को अच्छा लगता है. तो इसी तरह आपने जैसे कि बताया कि ज्वेलरी है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, और ड्रेसेस हैं, उसमें इतना कंपटीशन है, तो उसमें आप जिस तरह से फ्यूजन लेके आई हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न को, और जिस तरह से आपने डिफरेंट आइडियाज़ को, नई चीज़ों को आपने इसमें अपने ड्रेसेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो दिस इज़ कॉल्ड इनोवेशन, एंड इनोवेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे प्रोग्राम का अब एक जो सेगमेंट है वो ये है कि हम इन ख्वातीन के घर लेके आपको चलते हैं, एंटरप्रेन्योर लेडीज़ के घर, जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं कि घर की डेकोरेशन के हिसाब से. और जैसे कि मैंने कहा है कि घर हर इंसान की पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है. बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, आपको इनके घर में इनकी वाकई पर्सनैलिटी की जो है वो एक झलक नज़र आएगी, क्योंकि इनका जो घर है वो इन्होंने सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कलर कॉम्बिनेशंस एंड द बैलेंस. That is very mandatory in aspect of interior designing. So let's go to Mrs. Zarina Arshad's home and चलते हैं वहाँ से inspirations लेते हैं. जी, मिसेस ज़रीना के घर में हम एंटर हुए हैं. ये एंट्रेंस लॉबी है जहाँ पे मिरर की वॉल है, देन एक दरवाजे से हम अंदर एंटर होते हैं लिविंग रूम में, जिसका इन्होंने एक बहुत कोजी सा एनवायरनमेंट रखा हुआ है, और ग्रे एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन है सोफ़ों का और कर्टन्स का. दिस इज़ द ड्राइंग रूम जहाँ पे इन्होंने वाइट एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, एंड इट इज़ रॉयल स्टाइल, क्योंकि आप देख सकती हैं इनकी पेंटिंग्स की हाइट देखें. दिस इज़ ऑल इंटीरियर डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये सब की होती हैं. वुडन टेबल हैं एंड वुडन फर्नीचर है, और डेकोरेटिव आइटम्स भी आप देख सकती हैं दोनों साइड्स पे इन्होंने जिस तरह सेट किए हैं. सेंटर टेबल इज़ वुडन एज वेल, द वुडन फ्लोर, और ये जो फायर प्लेस है इनकी, अगेन ये ब्लैक वॉल के ऊपर है तो उससे ये बहुत प्रोमिनेंट हो रही है. एंड वाइट कॉम्बिनेशन इज़ द मोस्ट डिमांडिंग कॉम्बिनेशन आजकल जो है, इसकी बहुत मतलब इन है ये वाइट कलर कॉम्बिनेशन, वाइट एंड गोल्ड का, ख़ास तौर पर ये ड्राइंग रूम्स के लिए. अब इनके डाइनिंग रूम की तरफ आते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने उसी तरह वाइट जो है कॉम्बिनेशन, वाइट एंड गोल्ड की इनकी चेयर्स हैं और टेबल है, और एक अगेन आप वॉल देख सकते हैं, मिरर वॉल. सो दिस इज़ ब्यूटीफुल हाउस. जी, बहुत प्यारा है आपका घर मिसेस ज़रीना, एंड आई होप कि इसमें इंटीरियर के डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्लैक वॉल है विद द गोल्डन टच एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी, उनको आइडियाज़ मिले होंगे, कलर कॉम्बिनेशंस एंड द कर्टन सेटिंग्स, एवरीथिंग. अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. मिसेस ज़रीना, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डू यू बिलीव It is essential for a mother to prioritize grooming her kids first, and once they are on the right track, then focus on her professional career. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि आपकी माशाल्लाह से चार बेटियाँ हैं, beautiful daughters, very well groomed, माशाल्लाह, और अपनी life में बहुत successfully अपने मकाम पे पहुँची हुई हैं वो बच्चियाँ, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप ज़रूर हमें बताइए. Behind every successful woman and a successful man, there is the hand of a supporting family. You cannot say ki a man is a business tycoon and yet his family didn't support him at all. Nahin, bachche bhi affect hote hain aapki success ke saath. They have to sacrifice a lot to let you do what you want to do. So, alhamdulillah, I had a very strong family
और कुछ ये भी है कि मैंने जब बच्चे बड़े हो गए तो मैं इस फील्ड में आई, उससे पहले मैंने टोटली टाइम अपने बच्चों को दिया, लेकिन माशाल्लाह से जब मेरी बच्चियां बड़ी हो गई और अपने अपने घरों को चली गईं, जैसे मेरी बड़ी बेटी है, शी इज़ इन लंदन एन अकाउंटेंट, वेरी सक्सेसफुल लेडी माशाल्लाह से, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, और सेकेंड बेटी माशाल्लाह से मेरी सेल्सबरी में डॉक्टर है NHS में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एज वेल, और थर्ड बेटी मेरी जो है वो इकोनॉमिक्स में, उसने MSc की हुई है, एंड यू नो शी इज़ रनिंग हर फादर्स बिजनेस इन लंदन। तो इसलिए मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है, और मैंने ये देखा है कि अगर आपको ये फीलिंग हो कि डेट योर पेरेंट्स नॉट ओनली योर मदर डेट शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू थ्रू आउट द टाइम वेन एवर यू वॉन्ट एंड शी इज़ देयर फॉर यू, तो दे डोंट माइंड हर डूइंग समथिंग फॉर हर ओन सेल्फ एज वेल। इसके अलावा मैंने देखा है कि रिलायबिलिटी जो है ना फॉर अ फैमिली एंड फॉर बिजनेस एज वेल, फॉर योर क्लाइंट एज वेल, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डेट इज़ अ वेरी कैटलिस्ट, इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट इन योर फॉर डेली लाइफ। तो जिस तरह बच्चों को आपकी रिलायबिलिटी होती है, इसी तरह क्लाइंट्स को भी आपकी रिलायबिलिटी पे होता है बहुत ज़्यादा एतमाद, और वो इसी वजह से आपको ऑर्डर्स भी देते हैं, ताकि एक ब्राइड को पता हो कि ओ शी इज़ अ रिलायबल लेडी, शी इज़ गोइंग टू डिलीवर माई ड्रेस इन टाइम। और इसी तरह ब्राइड्स की बहनों को माओं को कजन्स को सबको ही पता हो कि नो शी इज़ गोइंग टू डिलीवर इन टाइम, एंड सो इज़ द केस विद द ज्वेलरी, तो दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू ट्रस्ट यू एंड गिव यू मोर ऑर्डर्स। तो मेरा ख्याल है कि पर्सनल लाइफ को और बिजनेस को नेविगेट करना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। जी मिसेज अरीना, यू आर 100% राइट कि जो है घर जो है उसकी प्रायोरिटी औरत के लिए सबसे पहले होनी चाहिए, और इसमें खासतौर पर यह कि मियाँ और बीवी, शोहर और बीवी जो है उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। जिस तरह औरत को कभी ये पसंद नहीं आएगा कि मर्द उससे बगैर डिस्कस किए कोई डिसीजन ले, इसी तरह मर्द को भी ये पसंद नहीं आएगा कि उसकी बीवी बगैर उससे डिस्कस किए और अपने डिसीजंस ले। ये घर जो होता है ये दोनों मियाँ बीवी के डिसीजंस के साथ चलता है और उसमें ही बरकत होती है। तो जिस तरह मर्द अपनी बीवी की हर कफालत का जिम्मेदार होता है, इसी तरह औरत जिम्मेदार है अपने बच्चों की परवरिश की, और जब वो उनके साथ साथ अपने घर अपने किसी प्रोफेशन में चाहती है तो वो अपने हस्बैंड की जब उसकी राय उसकी इम्पोर्टेंस उसको लेके चलेगी, उसके मशवरों को लेके चलेगी, तो ऑब्वियसली घर का माहौल भी बहुत खूबसूरत होगा। मैं क्योंकि हमेशा ये कहती हूँ कि औरत वही सक्सेसफुल है जो अपने घर और कारोबार दोनों को एक हार्मनी के साथ लेके चलती है। थैंक यू सो मच मिसेस सरीना, आपका हमें वक्त देने का, अपने कीमती वक्त में से हमें अपने टाइम निकाला और हमें बहुत अच्छी मशवरे दिए, बहुत अच्छी अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी बताई जिससे खवातीन मुस्तफीद होंगी। यू आर वेलकम आलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया दैट यू इनवाइटेड मी ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ एशियन ट्रेड टीवी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता चलता है, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, इजाजत दीजिए, मा सलाम।